आखिरी घंटे में हुई भारी बिकवाली से शेयर बाजार आज 12 सितंबर को नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने जहां पहली बार 83,000 अंकों को पार किया, वहीं निफ्टी भी 470 अंक उछलकर 25,400 पर पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 6,00,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी ऑटो, मेटल और एनर्जी शेयरों में देखने को मिली। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रमांश 1.32% और 0.79% की तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1,439.55 अंक किया, 1.77% की छलांग लगाकर 82,962.71 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान इसने 83,116.19 अंक का अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 470.45 अंक या 1.89% चढ़कर 25,388.90 के स्तर पर बंद हुआ। इसने भी आज 25,433.35 अंक का अपना नया रिकॉर्ड हाई बनाया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 12 सितंबर को बढ़कर 466.66 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 11 सितंबर को 460.76 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 5.9 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। जाने कल 13 सितंबर को बाजार की कैसी रह सकती है चाल। जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि कारोबार के आखिरी घंटे में बुल्स गैंग बाजार पर काबिज हो गया और उसने सेंसेक्स और निफ्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी से भी निवेशकों का सेंटीमेंट हावी रहा। ग्लोबल लेवल पर अब ब्याज दरें घटने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब इस तेजी का अगला चरण भारत के महंगाई आंकड़ों और IIP डेटा से प्रभावित होगा। वहीं कॉर्पोरेट्स की कोर अर्निंग्स के भी सितंबर तिमाही में बेहतर रहने का अनुमान है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार करीब 2% की बढ़त के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि कारोबार के दौरान अधिकतर समय सुस्ती छाई रही, लेकिन आखिरी घंटे में जोरदार खरीदारी से सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। इस तेजी ने पिछली कमजोरी का ट्रेंड पलट दिया है और निफ्टी के अब 25,550 से ऊपर के जोन को टेस्ट करने की संभावना दिख रही है। वहीं नीचे की ओर से 24,900 से 25,150 की रेंज में मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अजीत मिश्रा ने कहा कि शेयर बाजार के प्रतिभागियों को ऐसे सेक्टर्स या थीम पर फोकस करना चाहिए जो लगातार ट्रेंड में बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई खरीदारी के लिए लार्ज कैप और बड़े मिड कैप शेयर को प्राथमिकता देनी चाहिए।